अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज सुबह से मौसम जो है बारिश का हुआ हुआ है, अब देखते हैं बारिश होती है या नहीं। अम्मी तो बोल रही हैं हवा ज़्यादा नहीं चल रही है तो जो है ना बारिश होगी, तो हम इंतज़ार में हैं बारिश हो जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बारिश होती है ना तो फिर ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लग जाती हैं। और उरूजा पी और नूर जो है अभी सो रही हैं, सुबह में सिर्फ अम्मी और मैं ही जागे हुए होते हैं, तो भाई लोग भी काम पे जा चुके हैं और अम्मी भी भाई लोगों के कमरे में से बिस्तर वगैरह उठा रही हैं, समेट रही हैं उनका रूम, फिर पौधों को पानी वगैरह देंगी। और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है अम्मी और मैंने। आज की जो भी रूटीन होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें और पूरी वीडियो को वॉच किया करें। जो हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे की जो भी रूटीन होगी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, तो आए चलें हमारे साथ। तो गाइस अभी हो गया था शाम का टाइम, तो मैंने जो है शाम में बनाया है आलू का सालन और चावल। चावल अभी उरूजा पे बनाने वाली हैं और मैंने जो है सालन रेडी कर लिया है। गैस आ रही थी इतनी हल्की हल्की, मैंने उसी पे चढ़ाना शुरू किया। मैंने बोला एक साइड पे जब तक के सालन भी बनता रहेगा, और एक साइड पे जो है ना मैंने चटनी भी तैयार कर ली टमाटर की और सलाद भी रेडी कर ली है बिल्कुल, और मैं आपको दिखाती हूँ। और आज का मौसम जो है ना बहुत प्यारा बना हुआ है, कल से भी ज़्यादा आज प्यारा बना हुआ है। हालाँकि आज तो बारिश भी नहीं हुई, फिर भी जो है ना आज का मौसम बहुत प्यारा बना हुआ है। आज हमारा दिल था कि हम लोग छत पे जाएं, पर क्या कहते हैं अम्मी ने मना कर दिया। मैंने बोला नहीं, ऊपर ठंडी हवा बहुत चल रही होगी, क्योंकि यहीं से जो है ना इतने लोगों ने झंडे वगैरह लगाए हुए हैं ना घरों पे, कहीं कहीं पे तो वो इतने तेज तेज हिल रहे थे, तो तभी अम्मी ने जाने को मना कर दिया। तो अम्मी ने बोला कल वाले चल लेते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या मैंने रेडी किया है। तो गाइस अभी जो है ईशा की अजानें भी जो होना शुरू हो चुकी हैं, तो टाइम भी देख सकते हैं आप लोग, इतने बजे हो रही हैं ईशा की अजानें। तो अभी असर की नमाज़ वगैरह तो हमने पढ़ ली थी, तो अभी पढ़नी है हमें मगरिब की नमाज़, और मगरिब की नमाज़ से पहले ही मैंने सब कुछ रेडी कर दिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा सालन, बहुत यप्पी सा रेडी हो गया है। बिस्मिल्लाह, ये देख सकते हैं आप लोग सालन, यहाँ पे आलू का सालन जो है बहुत यम्मी सा रेडी हो गया, अभी अभी रेडी हुआ है, तभी जो है ना भाप निकल लिया, गरम गरम हो रहा है। इसमें बस मैंने डालना है धनिया, और इस साइड पे जो है मैंने रेडी कर लिए सलाद। इसमें जो है मैंने काटी है प्याज बारीक बारीक सी, और बारीक बारीक से टमाटर काटे हैं, और इसमें डाली मैंने ये हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के बारीक वाली। तो यहाँ पे मौसम इतना प्यारा बना हुआ है कि ब्लैकी, सूजी, चेरी, लीली ये लोग सारे के सारे यहाँ पे बैठे हुए, और बाहर पता नहीं क्यों ग्रिल में से ये लोग डर गए, तो देखें कैसे छुप गए इधर चेयरों में आके। अब मैं ज़रा देखूँ कौन है, कोई आया आता है ना बराबर वालों के यहाँ, तो ना ये लोग डर जाते हैं बहुत पता नहीं क्यों। देखो सूजी भी कैसे बैठी हुई है यहाँ, देख रही है कि कौन आया। देखें उनका गेट खुला हुआ है, रोशनी आ रही है उनके गेट से, और ये मैंने इनको बोतल के ढक्कन दे दिए थे खेलने के लिए, ये लोग यहीं पर खेल लेते दरवाजे में खूब मजे से, क्योंकि यहाँ से आ रही थी ठंडी ठंडी हवा, इनको भी गर्मी लगने लग गई थी क्योंकि गर्मी आने लग गई थी ना, लेकिन अब आ रही है ठंडी ठंडी हवा, और बारिश क्या पता रात में हो जाए, क्योंकि हमारा दिल है कि बारिश हो जाए। अब देखते हैं रात में बारिश होती है या नहीं होती। आप लोग देख सकते हैं इस साइड पर जो है चटनी भी रेडी हो गई है, ये आप लोगों को हरी वो गोल मिर्चों के दाने इस वजह से साबुत साबुत नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो है ना हमारा जूसर मशीन जो है ना हमारी बहुत ज़्यादा उसका कटर जो है ना ख़राब हो गया है, इसी वजह से वो सही नहीं पीस रहा है, इसलिए इसमें ना थोड़े टमाटर रह गए और जो है ना इसमें दाने दाने आप लोगों को दिख रहे हैं। लेकिन ये वाली चटनी खाने में बहुत मज़ेदार होती है, इसकी रेसिपी भी मैंने पिछले ब्लॉग में जो है शेयर की हुई आप लोगों के साथ, अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए हो तो देख सकते हैं आप लोग पिछले ब्लॉग में जाके। तो अभी हो गई है मगरिब की अजान, तो हम पढ़ लेते हैं पहले नमाज, फिर उसके बाद आप ही बनाएंगे चावल। तो गाइस आज देखें रात में बारिश होना स्टार्ट हुई है, और देखते हैं ये अब कितनी देर तक बारिश होएगी। अभी अभी बिल्कुल शुरू हुई है, 5 मिनट हुए हैं, मैं तो अंदर वाले रूम में थी, देखिए पूरे पौधे वगैरह भी गीले हुए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग कितनी तेज़ी से बारिश हो रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम बनता जा रहा है, और उरूजा भी जो है तोतों वगैरह को ढक रही हैं, और हवा नहीं चल रही है, यानी कि ना ये बारिश होती रहेगी, वरना हवा चलती है ना तो बादलों को वो ले जाती है हवा,
तो यहाँ बल्ब जल रहा है ना, तो इसकी रोशनी में ये आप लोगों को पानी में दिखा रही हूँ। बारिश हो रही है वरना तो दिखती भी नहीं। यहाँ पे देखें बच्चे भी जो है ना बारिश में नहा रहे हैं। रात को पता नहीं कैसे होगी, सर्दी भी नहीं लग रही होगी, नहीं तो हमें तो देख के ही सर्दी लग रही है इतनी। तो विंडो मैंने बंद कर दिए। मैं तो इधर चेरी के साथ थी और अम्मी जो है व्लॉग देख रही थी। मैं यहाँ पे सोने की तैयारी कर रही थी क्योंकि मैं जल्दी सो जाती हूँ। तो आप ही ने बताया कि बारिश हो रही है, थोड़ी सी वीडियो बना लो। आज जो है ना रात में बारिश स्टार्ट हुई है, इतना ठंडा हो जाएगा रात। चेरी भी देखें कैसे आराम से सो रही है यहाँ। अम्मी जो है ये वाला ड्रामा देख रही है शौक से, और इस ड्रामे का नाम है लापता गंज। और मैंने पंखा भी जो है ना हल्का हल्का चलाया हुआ था, और आप ही ने आके बताया कि बारिश हो रही है बहुत तेज बाहर, तो वीडियो बना लो। अब देखते हैं रात को कब तक होगी। तो गाइस बहुत तेज बारिश हो रही है, तभी ये विंडो बंद की हुई क्योंकि आ रही है अंदर बारिश। तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू कैसा हो रही है। देखिए माशाल्लाह 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 से कितनी प्यारी बारिश हो रही है, और बहुत तेज ना अंदर ना हवा भी आ रही है। ये देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है बाहर का, और गरज भी है हमारे बादल, बिजली भी चमक रही है, और पूरी कैमरे पे भी फुहार आ रही है। देख रहे हैं आप लोग कितनी प्यारी बारिश हो रही है। हम अभी जिक्र ही कर रहे थे दिन में कि ना बारिश जो है आ नहीं रही, मौसम तो बना हुआ है, पर देखिए कितनी तेज माशाल्लाह माशाल्लाह से बारिश हो गई है। गाइस बहुत तेज अंदर बारिश आ रही है, फर्श पूरा गीला हो रहा है, तो मैंने कहा मैं विंडो बंद कर दूं। तो ये पूरा यहाँ पानी पानी है, ये देख पूरी जो फुहार है पूरी फुल तेज़ी से हवा से ना अंदर आ रही है, पूरा गीला भी हो गया काफ़ी वीडियो बनाने के लिए। और ये हमारी मिली यहाँ खेल रही है पन्नी से, इसको पन्नी बहुत पसंद है, लपेट के दे दो तो ये बहुत खेलती है। और यहाँ पर बैठी हुई है सूजी, सूजी इधर देखो इधर, हाँ शाबाश। और ये देखो पानी बस ये इसके साथ इसको दे दिया ना शुक्र, अभी खेलती रहेगी इसके साथ खेलती रही। और मेरा यहाँ पर गाइस खाना ऐसे ही रखा हुआ है, और बारिश के मौसम में गाइस खाना खाने में बहुत मज़ा आता है, वो भी चावल। तो गाइस मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, अभी यहाँ कोई ही नहीं है और सब कमरे में है, नमाज वगैरह पढ़ने, और लाइट हमारी जाने वाली है। तो बस हुआ कर रहे हैं कि लाइट नहीं जाए और हम बारिश को ऐसे ही इंजॉय करें रात में। और मैं खाना खाऊंगी, बारिश हो रही है सामने विंडो में, पीछे बंद किया है पर बारिश की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। तो मैं खाऊंगी अभी चावल और उसके साथ जो है चीज़ें बहुत मज़े के लगते हैं बारिश में चावल। तो अब मैं खाते खाते इंजॉय करती हूँ। तो कमेंट में ज़रूर बताना है कि बारिश किस किस को पसंद है, वो भी गरजने वाली बादलों के साथ ज़बरदस्त लगती है मुझे तो। तो गाइस उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा व्लॉग पसंद आया होगा, और बहुत बारिश भी आप लोगों ने इंजॉय की होगी इस व्लॉग में। हम लोग बोल रहे थे बारिश नहीं होगी, पर इतनी तेज़ बारिश हुई कि हमें पता ही नहीं था। हाँ बहुत अच्छी बारिश हुई, बहुत तेज़ हुई जिसका हमें बहुत इंतज़ार था। और ये देखेंगे हमारी कांगो प्यारी सी मिली, क्यूट सी मिली, देखाओ मिली देखो जाते प्यारी कितनी क्यूट है नहीं हमारी मिली, बहुत प्यारी है। और ये अभी बारिश की वजह से ना ठंड पड़ गई ना, तो इसलिए हमने ना इनको स्वेटर जो है पहना फटाफट से। और ये स्वेटर में इतने प्यारे लगते हैं माशाल्लाह, क्यूट लगते हैं। और सूजी भी यहीं पे बैठी हुई है, उसको घर दिया कि उसमें जाके लेट जाए, और वो घर को पिचका के उसके ऊपर लेट गई बल्कि। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो हमारे व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने नहीं किया हुआ, और चैनल को लाइक करें और वीडियो को फुल वॉच करें। हाँ और वीडियो को भी फुल वॉच किया करें। और गाइस अम्मी सही बोल रही थी हमें कि ऊपर नहीं जाओ, और देखा बारिश स्टार्ट हो गई, और अम्मी को शायद लग ही रहा था कि बारिश होगी रात में, तभी अम्मी मना कर रही थी कि ऊपर नहीं जाओ, और हो ही गई। तो अब जो है ना हमारे बाहर जो गेटली है ना गेट के बाहर, तो वहाँ पे भी पानी जमा हो गया होगा। फिर हम लोग कल जो है ना पानी भी साफ़ करेंगे, क्योंकि हमारे पूरे ड्राइंग रूम में जो है ना यहाँ की साइड पे हाँ। सीलन हो जाती है, पूरी दीवार ख़राब हो जाती है, तो हमें बाहर से पानी जो है ना वो खड़ा जो होता है ना वो उसको हमें वाइपर से। तो गाइज इसी वजह से अम्मी ने मुझे उठाया था दोबारा कि नम्मी पढ़ के सो, मेरा हो रहा था सर में दर्द, तो अम्मी को मैं बोली थी अम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है ना, अभी नमाज नहीं पढ़ी मैंने, तभी नमाज नहीं पढ़ी मैंने, तो अम्मी ने मुझे गोलियां दी कि गोलियां खाओ और फिर आधे घंटे बाद नमाज़ पढ़ो।
फिर मैं खैर नमाज़ पढ़ ली और खाना वगैरह तो हम लोगों ने पहले ही खा लिया था। ये रह गई थी जो ये बारिश इंजॉय कर करके खा रही थी, मज़े ले लेके खाना, बहुत मज़े के बने थे। दाल नहीं, आलू का सालन और चावल। तो बस मिलते हैं इसी तरह एक नए और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सूजी। सूजी भी यहाँ पर बैठी है।